नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, बांग्लादेश की चार बार रही प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ करके भागना पड़ा। अपने पद से इस्तीफा दे दिए और देश छोड़ करके भागाई भारत। ऐसा क्यों किए हैं? भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया, वह भारत आ गई हैं। बांग्लादेश में काफ़ी समय से हिंसात्मक प्रदर्शन हो रहे थे। हालात ऐसे हो गए, कुछ प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गए। इसके बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे करके सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से वह भारत आ गई। मैटर क्या है, मैटर जान लेते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश में नौकरियों में आरक्षण खत्म करने की मांग चल रही थी। काफ़ी संख्या में स्टूडेंट आरक्षण का विरोध कर रहे थे और प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी और पुलिस प्रशासन के बीच लगातार झड़पें हो रही थी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद कमान सेना के हाथों में आ गई। सेना की ओर से बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाने की बात कही गई। सेना प्रमुख जनरल वकार उज्जमा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं देश की जिम्मेदारी ले रहा हूँ और सब लोग कृपया सहयोग दें। बांग्लादेश में आरक्षण प्रणाली को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश में वर्ष 1972 में मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और उनके वंशजों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दिया गया था, जिसके बाद वर्ष 2018 में सरकार ने इसे खत्म कर दिया। अब इस साल जून में बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने सरकार के आरक्षण प्रणाली को ख़त्म करने के फैसले को गैर कानूनी बता दिया और इसे दोबारा लागू कर दिया, जिसके बाद प्रदर्शन शुरू हो गए। हालांकि शेख हसीना की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को निलंबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए केवल 5% आरक्षण की बात कही थी और इसकी अगली सुनवाई 7 अगस्त को होनी थी। बांग्लादेश में हिंसा और उपद्रव के मद्देनज़र भारत भी सतर्कता बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश के सीमा से सटे राज्य मेघालय में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि आप लोगों तक बात पहुँच सके। धन्यवाद।